हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार सेकेंड हैंड बस के बारे में और दो ट्रक के बारे में जो कि यहाँ पर रनिंग कंडीशन में बेचता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब जो फर्स्ट नंबर की जो बस आपको दिखाई दे रही है, जो कि अशोक लेलैंड बस के नाम से दोस्तों जानी जाती है, 2007 का ये जो है मॉडल है, 50 सीट में आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल हो रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पर 2 लाख किलोमीटर यहाँ पर जो है चल चुकी है। गाड़ी जो है आपको सेकेंड ऑनर में यहाँ पर जो है अवेलेबल हो रही है, डीजल बेस्ड में आपको यहाँ पर जो है मिल रही है। और यहाँ पर दोस्तों आपको जो है 2 बसेस मिलने वाली है जो कि यहाँ पर सेल आउट करना है। बस की जो कंडीशन है आप फोटो में यहाँ पर देख सकते हैं, रनिंग कंडीशन में सेल आउट करना है। टायर की कंडीशन भी आपको यहाँ पर जो है अच्छी मिल रही है। बस के पूरे पूरे पेपर यहाँ पर जो है ओके है और बस में किसी प्रकार का काम यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस है ऑनर डिसाइड किया है दोस्तों 4 लाख रुपए। 4 लाख के हिसाब से 2007 का मॉडल। अगर आपको अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर जाकर आप जो है पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फ़ोन के द्वारा यहाँ पर मिल जाएगी या पर्सनली आप जो है यहाँ पर विजिट भी कर सकते हैं, तो ज़रूर कॉल करें। अब जो सेकंड नंबर की जो बस आपको दिखाई दे रही है, जो कि SML बस के नाम से दोस्तों यहाँ पर जानी जाती है, फुल AC में आपको यहाँ पर जो है मिल रही है। टूरिस्ट में ये जो बस है यहाँ पर जो है यूज़ होती थी और मुंबई में ये जो बस अभी जो है अवेलेबल होने वाली है। 2013 का दोस्तों ये मॉडल है। किलोमीटर की बात करूँ तो यहाँ पर 2 लाख किलोमीटर यहाँ पर जो है चल चुकी है। टूरिस्ट बस आपको यहाँ पर मिल रही है, वो भी AC के साथ, ऐसे बताएं मुंबई में ये जो अवेलेबल हो रही है। पेपर की अगर बात करूँ तो पेपर पूरे पूरे ओके है। रनिंग कंडीशन में इसको सेल आउट करना है। अंदर से सीट वगैरह का जो है लुक यहाँ पर जो है देख सकते हैं। टायर की कंडीशन भी आपको यहाँ पर जो है बहुत अच्छी यहाँ पर मिल रही है। फिटनेस की बात करूँ तो 2021 के 27 फरवरी तक ये था। इंश्योरेंस इसका 2020 तक था और साथ में इसका जो परमिट है 2023 तक यहाँ पर आपको वैलिड मिल रहा है। बाकी दोस्तों अभी बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस है ऑनर डिसाइड किया है दोस्तों 5 लाख 10 हज़ार रुपये। 5 लाख 10 हज़ार के हिसाब से ये जो बस है जो कि टूरिस्ट बस के नाम से यहाँ पर जानी जाती है, अगर आपको अच्छी लगती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर दिखाई देगा, उस नंबर पर कॉल करके आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगी, तो ज़रूर कॉल करें। अब थर्ड नंबर की जो बस आपको दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ अशोक लेलैंड बस के नाम से दोस्तों जानी जाती है, 2016 का ये मॉडल है। 2 लाख 50 हज़ार किलोमीटर यहाँ पर जो है चल चुकी है। प्रकाश बॉडी में आपको यहाँ पर मिल रही है, हरिता की सीट आपको यहाँ पर मिल रही है, डॉक्यूमेंट पूरे पूरे क्लियर है। रनिंग कंडीशन में इसको यहाँ पर जो है सेल आउट करना है। सेम मुंबई में ये जो बस है आपको यहाँ पर जो है मिल रही है। गाड़ी का लुक आप देख सकते हैं, रनिंग कंडीशन में इसको बेचना है। एयर की कंडीशन भी आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। बात करते हैं इसके भी प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस है ऑनर डिसाइड किया है 14 लाख 50 हज़ार रुपये। 14 लाख 50 हज़ार के हिसाब से ये जो बस है जो कि मुंबई में बिक रही है, अगर आपको अच्छी लगती है 2016 का मॉडल, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर जाकर आप जो है पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले सकते हैं, ज़रूर कॉल करें। जो बस आपको जो दिखाई दे रही है, जो कि फोर्स मोटर के नाम से यहाँ पर जानी जाती है, 2017 का यह मॉडल है। 1 लाख 4 हज़ार किलोमीटर यहाँ पर जो है चल चुकी है। सातारा में आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल हो रही है। 17 सीटर में ये जो बस है आपको यहाँ पर जो है मिल रही है। 17 सीटर में ये जो बस है आपको यहाँ पर जो है अवेलेबल हो रही है, जो कि ट्रैवलर बस के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। गाड़ी का जो लुक है आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों, रनिंग कंडीशन में इसको सेल आउट करना है। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस है ऑनर डिसाइड किया है 7 लाख 50 हज़ार रुपये। 7 लाख 50 हज़ार के हिसाब से 2017 का मॉडल, अगर आपको अच्छी लगती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर जाकर आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगी, तो जरूर कॉल करें। जो है 5वें नंबर की जो ट्रक आपको दिखाई दे रही है, जो कि अशोक लेलैंड ट्रक के नाम से दोस्तों जानी जाती है, 3118 के नाम से जानी जाती है। मॉडल की बात करूँ तो 2018 का मॉडल है। बैंक किट में आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। UP में आपको जो ये ट्रक है अवेलेबल हो रही है। बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस है ऑनर डिसाइड किया है 13 लाख 75 हज़ार रुपये। 13 लाख 75 हज़ार के हिसाब से 2018 का मॉडल, अगर आपको अच्छा लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको नंबर दिखा देगा, उस नंबर पे कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पूरी पूरी जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो ज़रूर कॉल करें। अब जो लास्ट नंबर की जो ट्रक आपको दिखाई दे रही है, जो कि आईचर 1110 के नाम से जारी जाती है। मॉडल की बात करूँ तो 2019 का ये मॉडल है। बैंक किट में आपको यहाँ पर जो अवेलेबल हो रही है और कोलकाता वेस्ट बंगाल में आपको यहाँ पर जो है मिल रही है। 20 फीट में ये जो आईचर है आपको यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस है ऑनर डिसाइड किया है दोस्तों 9 लाख 50 हज़ार रुपये। 9 लाख 50 हज़ार के हिसाब से ये जो आईचर 1110 है, अगर आपको अच्छी लगती है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे। गाड़ी यहाँ पर जो है रनिंग कंडीशन में सेल आउट करना है। कंडीशन भी आप यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं, तो जरूर कॉल करें। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ पर मैंने आपको 4 सेकंड हैंड बस के बारे में बताया, 2 ट्रक के बारे में बताया। जो भी अच्छा लगता है तो नीचे में नंबर है, वहाँ पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसमें कमेंट करके जो बताओ, साथ में अपने चैनल इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।